प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू श्रीनगर से कारगिल तक पार्ट सेकंड पेज नंबर 70। तो शुरू करते हैं। दराज से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। जब दराज से गुजरते हैं तो एक नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। शहरा दरियाए दराज के किनारे किनारे होती हुई खरबू नाम के गांव से गुजरती है। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते हुए सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई हो। इसी वजह से इसको क्या सोना मरग कहते हैं। तो ये जो पहाड़ की चोटियों पर जब सूरज गुरूब होता है तो उस टाइम ऐसा लगता है कि इसकी चोटियों पर जैसे सोने की चादर चढ़ाई गई हो। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक्त करगिल पहुँचते हैं। तो कहते हैं बड़े खूबसूरत ये नज़ारे देखते देखते हम कहाँ पहुँच जाते हैं, करगिल। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारौनक कस्बा है। सबसे ज़्यादा क्या है? आबाद और बारौनक कस्बा है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और नंगे पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरिया सुर के किनारे पर आबाद है। इसीलिए इसे सुरू वैली भी कहा जाता है। करगिल की ऊंचाई सतह समुद्र से तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ के नाकाबले काश्त ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। करगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। श्रीनगर लेह शहरा करगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को करगिल ही में ठहरती है, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। तो बहुत चहल पहल हो जाती है गाड़ियाँ, जब बहुत सारे सियाह लोग गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, बहुत रौनक में इजाफा हो जाता है। सियाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार मौजूद में आ गए हैं, जिसका अच्छा असर यहाँ के मईशत पर भी पड़ता है। तो जब मुसाफिरों की आमद वहाँ पर होती है, गाड़ियाँ सियाह वहाँ आते हैं, तो वहाँ बहुत सारे होटल हैं, बाजार हैं, तो बहुत चहल पहल लगती है। तो इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है वहाँ पर। करगिल में हर तरफ बेर के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूँ की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेब, खुबानियाँ और दूसरे फल, गेहूँ, बाजरा वगैरह, ये जो फल होते हैं ये बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से किता ज़मीन से ज़्यादा ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ अमूमन साल में दो फसलें उगाई जाती हैं। तो वहाँ पर कितनी फसलें उगाई जाती हैं? दो। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जुग्राफियाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माईशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ खास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत से तालीमी अदारे मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी व मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरफ खवानगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रगबत की वजह से इस शरफ में इजाफा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, हस्पतालों और तालीमी अदारों में काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी अदारों के अलावा करगिल में बहुत सी निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। निजी हो गए प्राइवेट स्कूल। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर बड़ों में तामीर की गई हैं। बड़ों में एक खानका है जो पूरी लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज्यारत के लिए हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पार्ट सेकंड था।
अब पार्ट थर्ड में हम पार्ट थर्ड में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। खुदा हाफिज़।